दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी से बुधवार को मुलाकात कर उन्हें दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति नियुक्त किए जाने की बधाई दी। ये जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। इस संबंध में अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, हमारा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। मुझे ये कहते हुए बेहद गर्व है कि ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी जी पहली कुलपति होंगी। आज उनके साथ मुलाकात हुई और विस्तार से चर्चा हुई। उधर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति नियुक्त करने की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का हमारा उद्देश्य अपने देश में ऐसे एथलीट तैयार करना है जो हमारे देश को गौरवान्वित करें। इस मौके पर कर्णम मल्लेश्वरी ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी छात्रों की पहचान करेंगे और उनके कौशल का उस खेल से मिलान करेंगे जिसके लिए वे उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बाद हम दौरा कर खेलों में रुचि रखने वाली प्रतिभाओं की तलाश करेंगे। ऐसे कई बच्चे हैं जो खेलों में गहरी रुचि रखते हैं लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अपने सपने को पूरा करने में असमर्थ हैं। द आयरन लेडी के नाम से मशहूर कर्णम मल्लेश्वरी ने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उनका रिकॉर्ड अब भी बरकरार है क्योंकि भारत की किसी भी महिला ने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल नहीं जीता है। मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी अब FCI में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और परिवार के साथ जगाधरी के सेक्टर 18 में रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।